बिल्कुल ज्यादा मतलब थोड़ा हटके नहीं। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसमें सब्जी चढ़ाई हूँ और यहाँ पर देख सकते हो बंदा गोभी आलू का सब्जी बनाएंगे और यहाँ पर मेरा आलू मतलब फ्राई हो रहा है। तो चलिए आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो पर बने रहिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो आप लोग हमारे अगर इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो पर बने रहिए। मैं यहाँ पर बंदा गोभी कट करके रखी हूँ, बंदा गोभी आलू का सब्जी बनाएंगे और यहाँ पर आलू है और ये मेरा कढ़ाई है। तो कढ़ाई में मैं तेल पहले से डाल दी थी तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, आप लोग देख सकते हो, देखिए। तो चलिए तेल मेरा गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ये डालूँगी, ये देखिए पचफोरन। तो मैं अभी इसको पहले निकाल लेती हूँ और यहाँ पर हल्दी हल्दी का नमक रखा हुआ है, देखिए मैं डालूँगी इसमें। उसके बाद इसमें हम मिर्च भी डालेंगे फ्रेंड, एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए मैं इसमें हरा मिर्च भी डाल दी हूँ और चलिए मैं इसमें आलू डालती हूँ। आलू ने धोआ है, देखिए फ्रेंड मैं आलू भी डाल दी इसमें। अभी बंदा गोभी भी डालेंगे, उसके बाद मसाला वसाला तो बाद में डालेंगे। तो मैं ये सब सब धो के रखती थी फ्रेंड, चलिए मैं इसको अभी ढक देती हूँ। आलू हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं डालूंगी, देख सकते हैं फ्रेंड। मैं यहाँ पर आलू ब्राउन कर ली हूँ, इसमें मैं बंधा डालने के लिए जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर निरामिष बना रही हूँ फ्रेंड, तो अगर आप लोग निरामिष अगर खाते हो तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो, देखिए मैं जैसे बना रही हूँ। तो चलिए अभी मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और मैं अभी इसमें हल्दी नमक भी डालूंगी, अभी डाली नहीं हूँ, इसमें हल्दी डाल दी हूँ और देखिए नमक भी डाल रही हूँ। तो मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, आप लोग जैसे खाते हो वैसे डाल सकते हो। तो देखिए मैं नमक भी डाल दी हूँ, अब अभी इसको हल्का सा नमक हल्दी देके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे हम। तो चलिए मैं इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेती हूँ और मेरा हाथ भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है क्योंकि ये छोनी गर्म हो गया बहुत, देखिए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि पक जाएगा ये। मैं इसमें टमाटो दे रही हूँ जो काट के रखी थी और यहाँ पर धनिया पत्ता भी है, देखिए धनिया पत्ता मैं अभी नहीं डालूँगी, पहले टमाटर डाल देती हूँ उसके बाद धनिया पत्ता डालूँगी। और बंधा गोभी का सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है खाने में, आप लोगों को पता ही होगा। और मैं निरामिष बना रही हूँ तो निरामिष और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जो जो निरामिष खाते हैं तो प्लीज़ ऐसे ही बनाइएगा, अच्छा लगेगा। हम जिस तरह से बना रहे हैं आप देखिए, और वहाँ पर आप लोग देख सकते हो मसाला बाट कर रखी हूँ तो वो भी अभी डालेंगे। तो ये पपीता है, पपीता और यहाँ चावल और यहाँ फ्रेंड मैं जो मसाला का पेस्ट बनाई थी मैं डाल रही हूँ, जीरा गोलगी धनिया है और हरा मिर्च है, तो देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ फ्रेंड, अब जब मसाला थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद इसमें पानी डालूंगी मैं, तो मसाला पहले पक जाने देते हैं उसके बाद। देखिए फ्रेंड मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ और मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, हल्का पानी डालूँगी, आलू जितना में सीज जाए और थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा तब अच्छा लगेगा खाने में, आप लोग देख सकते हो मैं ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाली हूँ। उसके बाद ये इसका पानी उबलेगा, उसके बाद मैं उतार दूँगी इसको। धोने पत्ता तो देखिए फ्रेंड मैं इसमें जो ये धनिया का पत्ता है मैं इसमें डाल देती हूँ हरा हरा,
तो चलिए इसको पकने देते हैं 5 मिनट, उसके बाद इसको उतार देंगे। मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ और मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, हल्का पानी डालूँगी, आलू आलू जितना में सीज जाए और थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा तब अच्छा लगेगा खाने में। आप लोग देख सकते हो मैं ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाली हूँ। उसके बाद ये इसका पानी उबलेगा, उसके बाद मैं उतार दूँगी इसको। धोने पता था। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसमें जो ये धनिया का पत्ता है मैं इसमें डाल देती हूँ, हरा हरा। तो चलिए इसको पकने देते हैं 5 मिनट, उसके बाद इसको उतार देंगे। फाइनली फ्रेंड देखिए मेरा सब्जी हो गया है, मैं अभी इसको उतार के रख देती हूँ और बन गया है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को हमारा ये रेसिपी कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड अगर इसमें कोई मतलब ये सब्जी बनाने में हमको कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे जैसा आता है मैं वैसा बनाई हूँ, फिर भी बहुत मतलब अच्छा बनाने का कोशिश की हूँ। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती हो तो बता दीजिएगा। तो चलिए मैं आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपना फैमिली का अच्छा तरह से ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।